हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रेक्टिफायर, इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टिफायर। तो उसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद आपका फर्स्ट रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम इसको पूरा डिटेल डिस्कस करने चल रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HW&R, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले सर्किट डायग्राम, मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मैंने इनपुट एसी सप्लाई ले लिया, इनपुट एसी सप्लाई ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद इनपुट एसी सप्लाई के बाद मैंने ट्रांसफार्मर लगाया। ये हमने ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। मैं बताया हूं आपको कि ट्रांसफार्मर मैं क्यों यूज करता हूं रेक्टिफायर में। ठीक है, तो यहां पे हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद फिर मैं यहाँ पे डायोड सर्किट लगाया जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह मुझे वर्क करवाना है। तो यहाँ पे एक डायोड ले लिया, डायोड से आप लोग प्रीवियस लेक्चर में फैमिलियर हैं। यहाँ पे ये लोड ले लिया जिसपे मुझे आउटपुट लेना है। ये आपका सर्किट हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एरो बना के मैं इस पे लोड के क्रॉस यहाँ जो मैं वोल्टेज ले रहा हूँ VN, या इसको B आउटपुट वोल्टेज कह दो। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मैं यहाँ मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, ये लोड है आपके पास RN और इसमें करंट फ्लो हो रही है IN। ठीक है, ये डायोड D और यहाँ पे इनपुट सप्लाई दिया हमने VI। ठीक है, इनपुट सप्लाई VI इक्वल टू कितना है, ये है VM साइन ओमेगा टी। कितना है VM साइन ओमेगा टी, तो यहाँ इनपुट सप्लाई दिया। और ये देखिए, ये डॉट डॉट करके मैं जो दिखा रहा हूं, मैं बताया था आप लोगों को, ये मैं यूज कर रहा हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये मैं यूज कर रहा हूं। ये है आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपका N1 N2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा N1 एंड N2। तो सबसे पहले एसी सप्लाई दिया। एसी सप्लाई में आप जानते हैं कि एसी सप्लाई हम जो इनपुट पे दे रहे हैं वो साइनसॉइडल सप्लाई है, ये ओमेगा टी है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट मैंने दिया, इनपुट में मैंने एक साइनसॉइडल सिग्नल लिया है। एसी सप्लाई 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की। क्लियर, ये आपके पास है VM और ये है आपके पास -VM। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम हो गया, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के बाद आपका इसका एक्सप्लेनेशन शुरू होगा। ठीक है, फिर सर्किट डायग्राम के बाद थ्योरी लिखेंगे कि ये कैसे कनेक्टेड है। इसमें आप एक ट्रांसफार्मर यूज किए हैं, एक एसी सिग्नल दिया है, ये डायोड है, डायोड आपका आइडियल लीजिए या प्रैक्टिकल लीजिए। ठीक है, मैं अभी मान के चलता हूं कि मैं जो डायोड लिया हूं ये आइडियल डायोड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर ये सर्किट के बाद आपको इसको एक्सप्लेन करने चलेंगे। तो एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, मैं वन बाय वन आपको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखेंगे आप स्टेप वन या केस फर्स्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि
कि आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए हैं, आपके इनपुट सप्लाई में दो साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये रिपीट होता रहेगा। तो मुझे एक टाइम पीरियड तक अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। और इस ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों को पता है कि ये देखिए अगर मान लीजिए इसको मैं B1 वोल्टेज मान लू और इसमें करंट मान लू मैं I1 मान लू, अभी इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसकी कभी न्यूमेरिकल में मुझे रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ये वोल्टेज V2 है और इसमें करंट मैं मान लू I2 है ट्रांसफार्मर में। तो ये देखिए आप लोग इससे फैमिलियर है कि जो हमारा B1/V2 इक्वल टू कितना होता है N1/ क्या होता है N2 होता है, आप लोग इससे फैमिलियर है। और आप जानते हैं कि जो हमारा I1/I2 इक्वल टू है N2/N1। तो इन सब चीजों से आप फैमिलियर हैं। अगर मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ये देखिए यहां से V2 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, V2 इक्वल टू आ जाएगा N2/ क्या होगा N1 और इंटू B1। B1 क्या है आपका इनपुट वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा। तो आपको B2 वोल्टेज है बहुत डाउन चाहिए क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास N1 जो क्वायल है और N2 क्वायल है, N2 क्वायल कम होना चाहिए और N1 क्वायल ज्यादा होना चाहिए तभी ये वैल्यू कम होगी। तो N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए और N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब आपका B2 वोल्टेज क्या होगा कम होगा, ठीक है। तो यहां से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैं आता हूं, ये सब तो आप लोग जानते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करने चलता हूं। जैसा कि आप लोगों को अभी मैं इससे हट के बता रहा हूं, ये देखिए डायोड के बारे में जो लोग जानते हैं बेसिक पढ़े हैं वो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हल्का से आइडिया ले लीजिए। डायोड का ये टर्मिनल एनोड होता है और ये क्या होता है कैथोड। और डायोड फॉरवर्ड बायस में कब होता है, ये टर्मिनल अगर पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव, मतलब इधर का वोल्टेज अगर ज्यादा है यहाँ की वोल्टेज से तो डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, और यहाँ का वोल्टेज अगर इस वोल्टेज से कम है तो डायोड क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में। बस इतना आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है यहाँ पे दो साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो सेम वहां पे यही जो है इसका म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पे भी ये देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया, तो डायोड डी क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। तो डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस हो गया। तो वही चीज आप एक्सप्लेन करते समय पूरा लिखेंगे तब जाके नंबर मिलेगा, लिखेंगे इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है। लिखेंगे इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन कंडक्टिंग स्टेट, कंडक्टिंग स्टेट मीन्स फॉरवर्ड बायस कंडक्ट कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में अगर आइडियल डायोड होता है तो क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट। तो जो आपने कहा है उसके लिए फिर से सर्किट बनाएंगे, ये सर्किट फिर से बनाएंगे लेकिन अब इतना एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे रफली बनाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा मैंने देखिए एक सोर्स ले लिया और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ले लिया और यहाँ पे आपका ये ट्रांसफार्मर ले लिया, क्लियर, ये ट्रांसफार्मर ले लिया, जो आपने कहा है उसी सर्किट को हम बना रहे हैं। इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, आइडियल डायोड है, ये देखिए लोड था लोड को लगा दिया मैंने, ये लोड लगा दिया RL और इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका है BL या B आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है IL, क्लियर। आप ध्यान दीजिएगा D क्या हो गया ऑन हो गया, जैसा कि ऊपर आपने एक्सप्लेन किया क्यों ऑन हो गया क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा ये टर्मिनल क्या होगा नेगेटिव, ये इनपुट वोल्टेज, ठीक है। सेम इसी का रिफ्लेक्शन इधर आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव इधर क्या आएगा VI, ठीक है।
तो आप ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन है, तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो करेगी, इस तरह देखिए करंट का पाथ है, तो इसमें केवीएल लगा दीजिए, लो से हाई जा रहे हैं क्या लिखेंगे वी आई, और हायर से लोअर जा रहा है माइनस वीएल इक्वल टू क्या लिखेंगे जीरो, तो जो हमारा वीएल आ जाएगा लोड वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा वीआई के, जो इनपुट वोल्टेज है इक्वल टू ये आ जाएगा। क्लियर, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा हमसे, ठीक है। डायोड हमने ऑन कर दिया, डायोड बेसिकली हमने आइडियल डायोड लिया है, हम बाद में इसको जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिकल डायोड कंसीडर कर लेंगे, जब प्रैक्टिकल डायोड कंसीडर करेंगे तो यहां एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे, एक बैटरी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं केस सेकंड की बात कर रहा हूं, केस फर्स्ट तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, केस सेकंड में क्या होगा, जब भी देखिए आपका ये जीरो से पाई तक ये देखिए मैं यहां पे इनपुट वोल्टेज को ऐसे लिख दूं कि इनपुट वोल्टेज जो है आपका ए वी आई, और ये देखिए ओमेगा टी का फंक्शन है, और ये कैसे है ये देखिए इस टाइम पे ये है वीएम साइन ओमेगा टी है, क्लियर, और ये ओमेगा टी की वैल्यू क्या है बाबू, ओमेगा टी की वैल्यू ओमेगा टी से ये कितना है पाई तक है, क्लियर, एंड ओमेगा टी की वैल्यू आपका जब है पाई से और किस पे है टू पाई तक, एक टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए ये आ जाएगी माइनस वीएम और ये क्या है साइन ओमेगा टी है। तो जब इस साइकिल की मैंने बात किया जीरो से पाई कौन सी थी पॉजिटिव साइकिल, पाई से टू पाई, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की मैं बात करूंगा तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो सेम रिफ्लेक्शन इधर होगा, ये देखिए नेगेटिव इधर हो जाएगा नेगेटिव इधर हो जाएगा, अब नेगेटिव से ये पॉजिटिव कनेक्टेड हो गया, डायोड क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में, डायोड रिवर्स बायस में किस तरह बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह, तो जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा फिर इसके बाद सर्किट बनाएंगे, तो मैं वही चीज लिख रहा हूं यहां, ये देखिए इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड क्या करेगा नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा, जब नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा तो ये किस तरह बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, किस तरह बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, तो जो आपने कहा है उसके लिए फिर से सर्किट कर बना के दिखाओगे, तो ये देखिए मैं फिर से सर्किट बना रहा हूं, मैंने ये यहां पे इनपुट सप्लाई ले लिया ये वी आई, ठीक है, फिर यहां पे मैंने ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया जैसा कि आप लोग इनपुट में बना था, ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, ये देखिए ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, इस सिचुएशन में आपका जो डायोड है ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ओपन सर्किट कर दिया, यहाँ लोड कनेक्ट कर दिया, ये देखिएगा यहाँ लोड कनेक्ट कर दिया, यहाँ से मैं आउटपुट मेजर कर रहा हूँ लोड पे, तो ये वोल्टेज वीएल है, ये आपका लोड आरएल है, यहाँ पे मैंने डी ऑफ लिख दिया, यहाँ पे मैंने डी ऑन लिख दिया, अब आप बताइए कि ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया है और ये टर्मिनल क्या हुआ है पॉजिटिव, ये आपका वी आई, ये टर्मिनल नेगेटिव ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये क्या हो गया वी आई, तो डी ऑफ है, तो आप जानते हैं कि ये ओपन सर्किट इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो आपका आईएल करंट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो इसी तरह से वीएल भी क्या होगा जीरो होगा, यहाँ पे आईएल आपकी करंट फ्लो करेगी लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट फ्लो नहीं करेगी तो लोड पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, तो लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये दो साइकिल मैंने एक्सप्लेन किया, एक टाइम पीरियड तक मैंने एग्जिस्ट कर दिया, फिर यही बार बार ये साइकिल रिपीट होती जाएगी, क्लियर। तो आइए उसका फिर हम आउटपुट प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये मैं इसी को हटा देता हूं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, तो इसको हटाता हूं, फिर इसके बाद यहां पे मैं आउटपुट प्लॉट करता हूं, इनपुट एंड आउटपुट का ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये देखिए इनपुट सिग्नल जो हमारे पास था और आउटपुट का ये प्लॉटिंग हम करने जा रहे हैं, हमने ये इनपुट सिग्नल ले लिया वी आई,
ठीक है, इनपुट सिग्नल हमारे पास ये था और ये एक्सिस मैंने ओमेगा टी लिया है, ओमेगा टी लिया है, ठीक है। ओमेगा टी पे ये देखिए दो साइकिल, ये साइनसॉइडल सिग्नल मैंने लिया है, तो ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, फिर से ये देखिए पॉजिटिव साइकिल और ये फिर से नेगेटिव साइकिल एंड फिर से ये पॉजिटिव साइकिल, ये रिपीट होता रहेगा, क्लियर। तो मैं एक जनरल बना दिया और ये वैल्यू आपका है, ये जो वैल्यू है ये आपका है Vm और ये वैल्यू आपके पास है माइनस Vm, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हमें V आउटपुट प्लॉट करना है, V आउटपुट प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे VL कह दिया या V आउटपुट कह रहा हूं, इसको मैं प्लॉट करने चल रहा हूं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ये देखिए ए बी एक्सिस मैंने ओमेगा टी ले लिया। अब देखिए हर साइकिल की बात है, आपके पास पॉजिटिव साइकिल थी उसमें एक्सप्लेन किए, फिर नेगेटिव साइकिल थी, फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर से नेगेटिव साइकिल आएगी, वही सेम चीज रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो ये आपका है पाई और ये क्या है टू पाई और ये कितना है थ्री पाई है और ये कितना है फोर पाई, डैट डैट डैट, ठीक है। ये साइनसॉइडल सिग्नल, इसको डॉट डॉट करके दिखाइए, क्योंकि एक एक साइकिल की हम बात करेंगे, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल, फिर से पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल, तो जो पहले साइकिल रिपीट होंगी फिर वही एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती रहेंगी। तो ये आपका पाई है, ये क्या है टू पाई, ये क्या है थ्री पाई है और ये कितना है फोर पाई है, ठीक है। तो अभी आपने ऑब्जर्व किया है, ये इनपुट सिग्नल लिख दिया, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब देखो मैं यहाँ पे आगे कुछ और लिख रहा हूं, यहाँ स्पेस मुझे चाहिए। तो जब मैं आउटपुट अभी प्लॉट किया, तो आउटपुट आप देखे होंगे, आउटपुट या वीएल जो मैं है इसको मैं प्लॉट करने के बाद जो आया है, ओमेगा टी की वैल्यू जब पाई जीरो एंड पाई के बीच में थी तो ये आया था Vm साइन ओमेगा टी या Vi आया था, Vm साइन ओमेगा टी या Vi आया था। ओमेगा टी जब पाई एंड टू पाई के बीच में था तो ये कितनी वैल्यू आई थी, जीरो आई थी। तो आप देख रहे हैं या एकदम जो इस साइकिल में पॉजिटिव ऑफ साइकिल में पूरा कॉपी कर दीजिए, जो इनपुट था वही आउटपुट है, तो ये देखिए जो इनपुट था वही आउटपुट आ गया, ठीक है। फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या था, जीरो था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में मैंने जीरो दिखा दिया। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में वही सेम चीज रिपीट हुई, फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में रिपीट होगा इधर। तो आप इसका जो लेवल है ये कितना हो जाएगा, ये लेवल है आपका Vm, क्लियर। तो आपने देखा लोड वोल्टेज या बी आउटपुट वोल्टेज, लोड वोल्टेज या बी आउटपुट वोल्टेज हमने प्लॉट कर लिया, तो ये आपका पॉजिटिव साइकिल में आया है, फिर से देखिए ये पॉजिटिव साइकिल में आया, फिर से ये पॉजिटिव साइकिल में आया, नेगेटिव साइकिल ये देखिए जीरो है, ये नेगेटिव साइकिल में क्या है आउटपुट जीरो है ये। और यहाँ पे आप देखिए आपका जो डी ऑन था, यहाँ पे डी ऑन है, यहाँ पे डी ऑफ है, यही सेम रिपीट होता रहेगा, यहाँ डी ऑन होगा और यहाँ पे डी ऑफ होगा, ठीक है। जस्ट इसके नीचे मैं आईएल प्लॉट करने चल रहा हूं, आप देखिएगा आईएल की भी हमें रिक्वायरमेंट है, आईएल की प्लॉट करने चल रहा हूं। तो हर साइकिल में किसमें करंट फ्लो हुई किसमें करंट नहीं, जब मैं एक्सप्लेन किया था आपको बताया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई पाई, ये टू पाई, ये क्या हुआ थ्री पाई और ये कितना हो गया फोर पाई, क्लियर। तो आप ऑब्जर्व करिए पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमने लिया था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब डायोड ऑन था तो करंट फ्लो हो रही थी, नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आपका डायोड ऑफ था तो करंट फ्लो नहीं हो रही थी, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से करंट फ्लो हो रही थी, फिर इसके बाद यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रही थी, फिर से यहाँ करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है। और जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपका आ जाएगा आई एम, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे जब डायोड ऑन था और यहाँ डायोड क्या था ऑफ था, और यहाँ पे डायोड ऑन था और यहाँ पे डायोड ऑफ था, क्लियर। ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर है,
इसमें बताने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कन्वर्ट किया तब करंट फ्लो हुई तो उसी टाइम करंट आ गई, ठीक है। और जहां पे आउटपुट मिलेगा, आउटपुट आएगा तभी तो करंट आएगी, तभी तो आउटपुट आएगा वीएल। तो ये देखिए इस पोजीशन में आपका, ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आया आउटपुट, पॉजिटिव में फिर आया ये, तो इससे पॉजिटिव में आया, नेगेटिव में क्या है, जीरो है, ठीक है। फिर इसी पे एक टर्म मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहीं पे आगे मैं उसकी डिफिनेशन लिखूंगा, पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। इसको मैं आगे अभी और बताऊंगा, पीक इनवर्स वोल्टेज की डिफिनेशन लिखाऊंगा कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। ये देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज मैं प्लॉट करने चल रहा हूं ओमेगा टी, इसी को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दो अग्री साइकिल को। तो पीक इनवर्स वोल्टेज का ये देखिए ये प्लॉट आएगा, ये फिर इसके बाद ये प्लॉट आएगा, मैं बताऊंगा ये क्यों आ रहा है। ये आपका आएगा माइनस वीएम, इधर भी माइनस वीएम, ठीक है, ये नेगेटिव साइकिल। पीक इनवर्स वोल्टेज का तो बेसिकली पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज विच अपीयर्स अक्रॉस द डायोड ड्यूरिंग द नॉन कंडक्टिंग स्टेट, तो वो कहलाता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट कराऊंगा। ये आप ग्राफ अभी मान लीजिएगा कि नेगेटिव साइकिल में ये नेगेटिव की तरफ ट्रेंड करेगा, क्योंकि जब ये ओपन सर्किट रहेगा तो इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा, वीआई, वीआई का उस टाइम पे नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, माइनस वीएम, तो माइनस वीएम आ रहा है, तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा, माइनस वीएम, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग बना लिए, ये आप लोगों को समझ में आया गया होगा कि मैंने ये जो इनपुट एंड आउटपुट को कैसे प्लॉट किया है, लोड करंट कैसे प्लॉट किया है, आउटपुट वोल्टेज कैसे प्लॉट किया है एंड पीक इनवर्स वोल्टेज कैसे प्लॉट किया है। मैं अब इसमें कुछ फॉलोइंग पैरामीटर ईच कैलकुलेटेड, देखिए अब मैं इसमें एक लिख रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ आपको यहाँ से, इसमें देखिए इसकी रिक्वायरमेंट मुझे आगे अब इसमें नहीं है, कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इसको हटा नहीं सकता क्योंकि इसी से मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं अगर मैं इसमें पीक वैल्यू कैलकुलेट करूं, आईपी, आईएम, आईएम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैक्सिमम करंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब टोटल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली मैं लिखना चाह रहा हूं, तो प्रैक्टिकली देखो मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं आर टू प्लस, ये लिख रहा हूं आर एफ और प्लस आर एल लिख रहा हूं। मैं एक एक टर्म बताऊंगा इसमें क्या है। वीएम तो मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम करंट जितनी होगी जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा डायोड, तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी, मैक्सिमम करंट की वैल्यू आईएम मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम वोल्टेज मैं यूज किया, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है वीएम पीक वैल्यू डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस क्या है आरएल। इस डायोड का अगर मैं प्रैक्टिकल वैल्यू ले लूं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो आरएफ क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। आर टू क्या है, सेकेंडरी क्वायल रेजिस्टेंस, ये देखिए ये सेकेंडरी क्वायल यूज कर रहे हो, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, तो इस लूप में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर टू प्लस आर एफ प्लस आर एल, जो कि आप लोग जानते हैं आर टू एंड आर एफ इज वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड लोड रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है, और R2 सेकेंडरी कॉइल रेजिस्टेंस भी इसके कंपेरिजन में बहुत होता है, नेगलिजिबल होता है, क्लियर। लेकिन फिर भी अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये फार्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लिख सकते हैं यहाँ पे R2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल रेजिस्टेंस, क्या लिखेंगे R2 जो हमारा क्या है, R2 क्या है, ये देखिए सेकेंडरी कॉइल रेजिस्टेंस, आरएफ क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ये क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ठीक है। आरएल आप जानते हैं, आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस, आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको जब न्यूमेरिकल आएगा इसमें, तब मैं इसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी आईएम बाई वीएम बाई आर टू प्लस आर एफ, तो याद करने की जरूरत नहीं, समझ के लिखिए।
देखिए इस डायोड का भी कुछ नहीं प्रैक्टिकली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा ना, आइडियली क्या लेके चलते हैं जीरो, आइडियली क्या लेके चलते हैं जीरो, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ रेजिस्टेंस होगा और आरएल भी है, लोड रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा पिक्चर में, साथ में सेकेंडरी कॉइल का भी रेजिस्टेंस होगा, तो ये भी मैं कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें और आगे बढ़ता हूं। ये मैं हटा के इसमें और आगे बढ़ता हूं, देखिए इसमें और क्या है। इसको देखने के बाद मुझे फॉलोइंग पैरामीटर इज कैलकुलेटेड, फॉलोइंग पैरामीटर इज कैलकुलेटेड, फॉलोइंग पैरामीटर मुझे कैलकुलेट करना है, कौन कौन सा, फर्स्ट स्टार बना के लिखते जाइए आप लोग, एवरेज या डीसी, लोड करंट, ठीक है, एवरेज या डीसी लोड करंट, फिर इसके बाद आता है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर या एसी, लोड करंट, ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज डीसी लोड वोल्टेज, ठीक है, फिर हम करेंगे आरएमएस एसी लोड वोल्टेज, आरएमएस एसी लोड वोल्टेज, फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे यहां से फॉर्म फैक्टर, एफ डॉट एफ फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फिर कैलकुलेट करेंगे हम रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर, नीटा कहिए गामा कहिए, गामा है रिपल फैक्टर, फिर इसके बाद हम फिर करेंगे रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर एफिशिएंसी, रेक्टिफायर एफिशिएंसी थीटा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे पीआईबी, पीक इनवर्स वोल्टेज, तो इतने सारे टर्म हम इस पे फॉर्म से कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतने ही, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे फॉलोइंग टर्म कैलकुलेट करेंगे, एवरेज डीसी लोड करंट, जो लोग नहीं अगर दिख रहा है तो ध्यान से देख के लिख लें, पहला कैलकुलेट करेंगे एवरेज डीसी लोड करंट, दूसरा आरएमएस एसी लोड करंट, तीसरा करेंगे एवरेज डीसी लोड वोल्टेज, फिर आरएमएस एसी लोड करंट लोड वोल्टेज, फिर फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, रेक्टिफायर एफिशिएंसी, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सब के बारे में ये वन बाय वन बताया जाएगा, डीसी लोड वोल्टेज क्या है, डीसी एवरेज, देखिए एवरेज या डीसी लोड करंट, देखिए ये आ रहा है, जब हम रेक्टिफायर से एसी से डीसी में कन्वर्ट करने चल रहे हैं, तो जो हमारा कुछ डीसी पार्ट तो आ रहा है आउटपुट पे, साथ में कुछ उसमें एसी भी पार्ट आ जा रहा है, इसीलिए हमें आरएमएस एसी लोड करंट कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, अगर हमें प्योर डीसी मिलती तो हमें आरएमएस एसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्लियर, तो इसीलिए हमें प्योर डीसी आउटपुट पे नहीं मिल रही है, प्योर डीसी मिलती तो हमारे पास जो रिपल्स है वो नहीं आता, इसीलिए हमें रिपल फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जो हल्का से जो आ रही है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब रिपल है, रिपल को रिमूव करना होता है तो उसके लिए फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाने के बाद फिर भी रिपल रह जाता है, कुछ कुछ परसेंट रिपल तब भी रह जाता है, फिर इसके बाद हम यूज करते हैं आपका वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो हमारा जो रेक्टिफायर से आउटपुट में प्योर डीसी नहीं मिलती है, पल्स सेटिंग डीसी मिलती है, पल्स सेटिंग डीसी में आपका एसी एंड डीसी दोनों होता है,
ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सारे टर्म कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। पावर फैक्टर होता है, रिपर फैक्टर होता है, और फिर कितना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट डीसी पावर बाय इनपुट एसी पावर, इन इससे क्या होगा आपका कितना ज्यादा आपका रेक्टिफिकेशन हो रहा है, कितना परसेंट रेक्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन हम करेंगे, ये सारे टर्म आपका कैलकुलेट करेंगे इन वेव फॉर्म से। इन वेव फॉर्म को देखते हुए आपको पता है, देखिए जीरो से पाई एक टाइम पीरियड एग्जिस्ट करेगा, जीरो से पाई में ये वैल्यू है वीएम साइन ओमेगा टी, पाई से टू पाई में ये वैल्यू क्या है जीरो, ये सेम चीज है पे लोड करंट में भी, ठीक है। तो इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कैलकुलेट करेंगे। आज के लेक्चर में इतने ही, आप लोग कंसंट्रेशन से पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इसके आगे, ठीक है। थैंक यू।